जम्मू कश्मीर में आतंक पर करारा प्रहार, श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के दो आतंकियों को किया ढेर, एक दहशतगर्द के पास से मिला मीडिया का आई कार्ड। पाकिस्तान में पीएम इमरान खान के अविश्वास प्रस्ताव पर 3 अप्रैल को हो सकती है वोटिंग, इमरान ने सांसदों को वोटिंग से दूर रहने को कहा। बड़ा सवाल, वोटिंग का बहिष्कार मास्टर स्ट्रोक है या सरेंडर। पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख रशीद के हवाले से बड़ी खबर, कहा इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे, आखिरी गेंद तक खेलेंगे, 3 अप्रैल को आखिरी घंटे में लिया जाएगा फैसला। पाकिस्तान की संसद में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च से चर्चा होनी है। इमरान के पास बहुमत के लिए 172 का जादुई आंकड़ा नहीं है, कई सांसद बागी हो चुके हैं। पीएमएलएन की नेता मरियम नवाज की इमरान खान को चुनौती, कहा 172 का आंकड़ा पूरा करके दिखाएं। बिलावल भुट्टो बोले, इमरान मुकाबले के लिए तैयार नहीं, हमारी फतह हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका के हैती में सड़कों पर उतरे लोग, देश में बढ़ती हिंसा और अस्थिरता को लेकर जताया विरोध। इसराइल के टेलवीव में बड़ा हमला, 4 लोगों की मौत, मोटरसाइकिल सवार एक बंदूकधारी ने 2 जगहों पर की फायरिंग। टर्की में रूस यूक्रेन की बातचीत सकारात्मक, यूक्रेन ने मंजूरी के लिए समझौते का मसौदा रूस को सौंपा, यूक्रेन ने 8 देशों से सुरक्षा पर गारंटी की मांग की, जेलेंस्की पुतिन भी जल्द कर सकते हैं मुलाकात। टर्की में रूस यूक्रेन में 3 घंटे तक बातचीत हुई, कीव चेर्निहिव में सेना कम करने को रूस तैयार, यूक्रेन ने कहा फिलहाल सीज फायर पर कोई समझौता नहीं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 35वां दिन, सुलह की गुंजाइश के बीच रूस ने यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक की, माइकोलेव में 7 नागरिकों की मौत। मारियोपोल शहर में घुस रहे एक रूसी T-72 टैंक पर ग्रेनेड से हमले के बाद लगी आग, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। 6 और 7 अप्रैल को होगा नेटो का शिखर सम्मेलन, नेटो ने अपने शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को भी न्योता दिया। नीदरलैंड ने 17 रूसी खुफिया अधिकारियों को निष्कासित किया, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। पीएम मोदी आज सुबह 9:30 बजे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वर्चुअली शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। आज दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, दिल्ली में संसद भवन में होगी बैठक। एनसीपी ने शरद पवार को यूपी अध्यक्ष बनाने की मांग की, कहा कांग्रेस यूपीए को लीड करने की स्थिति में नहीं, एनसीपी की युवा इकाई ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किया। शरद पवार जी को यूपीए का नेतृत्व करने की अनुमति दी जाए, जिससे उनमें वो शक्ति है कि वो सभी लोगों को साथ ले लें, सबको साथ ले कर चलें और एक मजबूत गठबंधन बनाकर सत्ता पक्ष को चुनौती दे सके। कुछ और अहम खबरों पर डाल लेते हैं नजर फटाफट अंदाज में ही। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों और गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। पीएम आवास योजना के तहत पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के 5,21,000 लाभार्थियों का वर्चुअली गृह प्रवेश कराया, कहा ईमानदार कोशिश से ही गरीबी भागेगी। ये 5.25 लाख घर गांव की गरीब महिलाओं को लखपति बनाने के अभियान का प्रतिबिंब है। बीरभूम हिंसा की जांच के लिए बनी बीजेपी की केंद्रीय कमेटी, आज सुबह 11 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगी, हिंसा के बाद बीजेपी की टीम ने किया था दौरा। बीजेपी ने धमकी देने वाली टीएमसी विधायक की चुनाव आयोग से शिकायत की, राज्यपाल धनखड़ ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए ममता बनर्जी को मिलने बुलाया। चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया कि उनके खिलाफ एक्शन वो लेंगे, हम वेट कर रहे हैं कि अब देखते हैं कितना क्या एक्शन होता है। बीजेपी ने जारी किया टीएमसी विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती का धमकाने वाला वीडियो, गिरफ्तारी की मांग की, बीजेपी समर्थकों को धमकाने का आरोप। टीएमसी के विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती, जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा दरअसल उनकी नहीं है, वो भाषा टीएमसी का ग्रामर है।
वीरभूम हिंसा को लेकर जारी सियासत के बीच मथुरा धर्म महामेला में पीएम मोदी का इशारों में बंगाल सरकार पर हमला। कहा कहीं भी किसी का अत्याचार ना सही, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं। राजनीतिक विरोध के कारण अगर किसी को हिंसा से डरा धमका कर कोई रोकता है तो वो दूसरों के अधिकारों का हनन है, उसका विरोध किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बंगाल के बीजेपी सांसदों को नाश्ते पर बुलाया। दिल्ली में पीएम आवास पर होगी मुलाकात। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। कल अभिषेक बनर्जी पेश नहीं हुए थे। असम और मेघालय में 50 साल पुराना सीमा विवाद सुलझा। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के सीएम ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। मतभेद वाले 12 क्षेत्रों में से 6 पर बनी सहमति। अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का धन्यवाद भी किया। कहा पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन, विकसित नॉर्थ ईस्ट के पीएम मोदी के सपने को जल्द साकार करेंगे। आज का दिन एक विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है। असम और मेघालय के सीएम ने कहा आगे भी बातचीत से सभी मसलों का हल निकालेंगे। हम पूर्वोत्तर को देश में विकास का इंजन बनाने की दिशा में काम करेंगे। बिहार में बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने की बीजेपी का सीएम बनाने की मांग। जेडीयू बोली ना करें अनाप शनाप बयानबाजी, नीतीश ही रहेंगे मुख्यमंत्री। जो हमारी स्थिति है बिहार में, मुझे लगता है कि मेरा अपना सीएम होना चाहिए। ऐसे बड़बोले नेता जो अनाप शनाप का बयान देते हैं, ऐसे बयानवीर नेताओं पे भी लगाम लगाने की बात करें। बिहार विधानसभा में आज शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 होगा पेश। नए शराबबंदी कानून में पीने वाले लोगों को बहुत सी छूट दी गई है। उत्तराखंड में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हुआ। सीएम धामी के पास 23 विभाग। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी समेत 8 मंत्रालयों की जिम्मेदारी। धन सिंह रावत बने स्वास्थ्य मंत्री। यूपी विधानसभा में आमने सामने सीएम योगी और अखिलेश यादव। सदन में अखिलेश का बयान, कहा मैं विदेश नहीं गया होता तो देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे नहीं बना। विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाता। कुशीनगर के बाबर हत्याकांड में योगी सरकार का मरहम। बाबर के परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद। हत्याकांड के चारों नामजद आरोपी गिरफ्तार। तुरंत कार्रवाई न करने पर एसओ समेत 2 पुलिस वाले लाइन हाजिर। गोरखपुर के चौरी चौरा बवाल में अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी। इस मामले में समाजवादी पार्टी के 3 नेता हैं मुख्य आरोपी। तीनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित। पुलिस लगातार मार रही है छापा। तेल की कीमतों में आज फिर इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर 80-80 पैसे का इजाफा। पेट्रोल 101 रुपए 1 पैसे तो डीजल 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हुआ। महंगाई के खिलाफ सड़क पर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्री के घर के पास किया प्रदर्शन और नारेबाजी। तेल और गैस की कीमतों पर केंद्र को घेरा। तेल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस का निशाना। कहा पेट्रोल हो गया 100 के पार। डकैती कर रही है सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग को भूखा मारना चाहती है। मोदी सरकार गरीबों को, मध्यम वर्गों को और छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं उनको शायद उपवास रखना चाहती है, भूखे मरवाना चाहती है। महंगाई पर कांग्रेस के हमले पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा सबसे ज्यादा महंगाई वहां है जहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस संवेदनहीन है, विपक्षी। मैं पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा, बंगाल सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत वहां पे है। कांग्रेस
कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों का चंडीगढ़ में प्रदर्शन, बीजेपी ऑफिस का किया घेराव, कहा गृहमंत्री का फैसला नियमित कर्मचारियों के लिए, हमारी मांगों पर भी हो विचार, भारी पुलिस बल तैनात किया गया। शिमला में खालिस्तान समर्थकों के विरोध में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा, कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह के नेतृत्व में निकली यात्रा, शिमला में खालिस्तान समर्थक नेता ने खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी दी थी। मुंबई में उठी मस्जिदों में लगे अवैध लाउडस्पीकर्स को हटाने की मांग, बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने की मांग, पुलिस कमिश्नर से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की अपील की। देश में एक दिन में कोरोना के 1,259 नए केस, 35 लोगों की गई जान, अब तक 12 से 14 साल के 1.5 करोड़ बच्चों को लगा टीका, स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया, कोरोना हारेगा देश जीतेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।